एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो है मदर्स डे है, लेकिन आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आज मदर्स डे भी है और उसके साथ साथ मेरा आज जन्मदिन भी है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं जो है ये अपना पहला बर्थडे है जो मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं गढ़वाली हूँ और जो है हमारे गढ़वाल में शादी में, त्योहारों में, जन्मदिन में, किसी भी काम की शुरुआत जो है वो पकौड़ों के साथ की जाती है, दाल के पकौड़े बनते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज जो है खुशी का दिन है, मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ, तो मैं भी जो है आज का दिन जो है दाल के पकौड़ों के साथ शुरुआत करूँ। लेकिन ये जो दाल के पकौड़े हैं ये बिना तिल की चटनी के अधूरे हैं। हमारे गढ़वाल में जो तिल की चटनी बनाई जाती है गाइस, उसके साथ पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आपको जो है तिल की चटनी बनाना भी दिखाऊंगी। तो इसके लिए जो है मैंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। मैं आप लोगों के साथ ये जो है दाल के पकौड़े बनाती हूँ। चलिए आप भी चलिए। तो मैंने जो ये पकोड़े बनाने के लिए दाल जो है वो ली है उड़द धुली, इसको मैंने सारी रात भिगाया था। भिगा के अब मैं इसको पीस लेती हूँ। वैसे इस उड़द छिलके में भी ये बन जाते हैं, लेकिन उसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने जो है धुली उड़द की दाल ले ली है। अब जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके जार में पीस लेंगे। तो गाइस, ये दाल पीस के मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के अच्छे से इसको फेंट के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है, और तब तक हम बनाते हैं अपनी चटनी। तो चटनी आज इसलिए खास है क्योंकि जो हमारे गढ़वाल में बनती है तिल की चटनी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये है तिल, ये काले तिल हैं, ये गाँव के हैं हमारे। तो इसको पहले हम जो है हल्का सा तवे में जो है रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें धनिया, हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ डाल के मैं जो है इसके साथ इसको पीस लूँगी, हल्का काला नमक और नमक डाल के। तो देखिए, इसको पहले अच्छे से जो है हम रोस्ट कर लेंगे। तो गाइज, इसको थोड़ा सा मीडियम आंच में कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उछलते हैं रोस्ट करते टाइम अच्छे से। अब इसको एकदम से मिक्सर में नहीं डालना है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखो, उसके बाद जो है इसको हम मिक्सी में डालेंगे। इसको ज़्यादा देर भी नहीं भूनना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है ज़्यादा भून के। ये हो चुके हैं, अब मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। थोड़ी देर इसको ऐसे ही ठंडा करूंगी, तब तक मैं जो है थोड़ा सा जो है इसमें जीरा भी हल्का सा भून लूंगी। ये देखिए, ये जीरा भी हो चुका है। अब मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और इसको भी थोड़ी देर जो है इसी के साथ ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको जो है मिक्सी में डाल के, जार में डाल के जो है इसको पीस लेना, और उसमें थोड़ा सा नींबू, जितना आपको खट्टा चाहिए वो डाल दीजिएगा। बहुत अच्छी लगती है इन पकौड़ों के साथ। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। मैंने जार में तो डाल दिया, लेकिन मैं इसको जो है थोड़ी देर में पीसूंगी, क्योंकि तब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो गाइज, मेरी जो है चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब बारी है पकोड़े तलने की। तो हम इसको जो है तल लेंगे। तेल गरम हो चुका है, तो पहले हम थोड़ा सा पानी लगा के हाथों में इसको इस तरह से उठा के हल्का सा पुश करेंगे, और तिल के दाने जो है इसमें इस तरह से लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। ऐसे ही जो है जितना भी आपकी कढ़ाई में आए पकोड़े एक बार में, उतना आप तल लें। अब इसको फ्राई करके अच्छे से मैं निकाल दूंगी। तो ये पकोड़े मेरे हो चुके हैं, अब मैं इसको जो है एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरह से जो है सारे पकोड़े तल लेने। तो गाइज, हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, हम खा रहे हैं इसको चटनी के साथ। और ये देखिए, ये तिल लगा के कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। तो हम इसको चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बच्चों ने केक कटिंग की तैयारी कर ली है, तो मैंने सोचा मैं अभी थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। ज़्यादा कुछ तो मैं लगाती नहीं हूँ, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा लिपस्टिक,
क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह पहन ही करती हूँ। तो चलिए केक रेडी है और हम भी रेडी हैं, तो चलिए काटते हैं केक। आ जाओ बच्चों, आ जाओ काटो, बोलो स्टार्ट करें। तो चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, पहले तो मैं आपको ये केक दिखा देती हूँ। ये मेरे बच्चों ने बनाया है, ये देखिए। ये आज मदर्स डे और बर्थडे की खुशी में मेरे बच्चों ने मेरे लिए बनाया है। तो चलिए आप भी खा लीजिए। आप भी खा लीजिए केक। देखा आपने बच्चों के साथ कितना अच्छा रहा मेरा आज का बर्थडे। तो फिर मैं अपने अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।